पंजाब, हरियाणा और यूपी समेत देश के कई राज्यों के किसान एमएसपी की गारंटी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी आखिर तय कौन करता है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आपको कुछ ऑप्शन देते हैं। कृषि लागत एवं नियंत्रण आयोग, कृषि मंत्रालय, नाबार्ड या फिर वित्त आयोग। सोचिए सोचिए, क्या लगता है आपको भारत में एमएसपी तय कौन करता है? चलिए हम ही आपको बता देते हैं, इसका सही जवाब है कृषि लागत एवं नियंत्रण आयोग। अब जानते हैं एमएसपी से जुड़ी सारी जानकारी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को केंद्र सरकार ने सबसे पहले 1966 में गेहूं पर लागू किया था। ये तब तय हुआ था जब भारत को आज़ादी के समय अनाज के उत्पादन में भारी कमी का सामना करना पड़ा था। कम उत्पादन की वजह से जनसंख्या की मांग को पूरा करना संभव नहीं था। इसीलिए एक दशक से ज़्यादा समय तक लड़ाई करने के बाद भारत सरकार ने पहले कदम के रूप में एमएसपी की शुरुआत की थी। बता दें कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना साल 1965 में की गई थी। पहले इसका नाम कृषि कीमत आयोग था, जिसे 1985 में बदल दिया। यह कृषि मंत्रालय से जुड़ा है। इसका काम ही है कि फसलों की लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश सरकार को करना। आज ऐसी 23 फसलें हैं जिन्हें एमएसपी मिलता है। इन फसलों में बाजरा, गेहूं, मक्का, धान, जौ, रागी और ज्वार और दालों में अरहर, चना, उड़द, मूंग और मसूर तिलहन शामिल है। साथ ही कुसुम, सरसों, नाइजर सीड, सोयाबीन, मूंगफली, तिल और सूरजमुखी शामिल है। इसके अलावा कपास, खोपरा, कच्चा जूट और गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलों को भी एमएसपी दिया जाता है। अब एमएसपी होता क्या है, चलिए जानते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी किसानों को दी जाने वाली वो एक गारंटी होती है जिसमें ये तय किया जाता है कि बाजार में किसान की फसल किस दाम पर बिकेगी। दरअसल फसल की बुआई के दौरान ही फसलों की कीमत तय कर दी जाती है और तय कीमत से कम में ही बाजार में नहीं बिकती। एमएसपी तय होने के बाद बाजार में फसलों की कीमत गिरने के बाद भी सरकार किसानों को तय कीमत पर ही फसलें खरीदती है। सरल शब्दों में कहें तो एमएसपी का उद्देश्य फसल की कीमत में उतार चढ़ाव के बीच किसान को नुकसान से बचाना है। इससे उम्मीद की जाती है कि किसान बिचौलियों के शोषण से बच सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।